गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज गए हैं 1 और हम अभी आ गए किचन लंच बनाने। आज बनेगा पाबदा मछली का झाल। पहले मछली को हम 4 पीस मछली लिए, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है। नमक, हल्दी और सरसों का तेल देके हम मैरिनेट करके रख दिए हैं 30 मिनट्स के लिए। इधर है सरसों का पेस्ट, काला और पीला सरसों, और इसमें एक टमाटर भी है आधा, और है धनिया पत्ती। पैन को हम रख दिए हैं गरम करने के लिए। गरम होने के बाद हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छा से गरम होने के बाद हम ऐड करेंगे मछली को। अभी हम ऐड कर रहे हैं मछली को। मछली तेल में देने से के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा फटता है, इसीलिए हम कुछ टाइम के लिए इसको ढक के रख देंगे। दो साइड से मछली को हल्का हाथ से पलटना है। ये मछली बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए पलटने के टाइम थोड़ा सा ध्यान देके। फिर हम सरसों का पेस्ट जो बनाए थे उसमें हम पानी डाल के उसको छान के हम मिलाएंगे मछली में। सरसों का जो छिलका है वो हम ऐड नहीं करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर, ग्रीन चिली, नमक। मछली अच्छा से बॉयल होने के लिए कुछ टाइम के लिए रख देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा झोल नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम के लिए हम इसको बॉयल करके फिर इसमें धनिया पत्ता और कच्चा सरसों का तेल हम इसमें ऐड करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों का थोड़ा सा भी अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। पाबदा मछली का झाल बिन बंगाली स्टाइल रेडी टू ईट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।